एक बाबा के साथ एक सेठ का संबंध था, सेठ बड़े नगर सेठ, बहुत बड़े सेठ महाराज, एक साधु से उनका रिश्ता था। तो एक दिन उन्होंने साधु महाराज से, संत से निवेदन किया, बाबा अगर आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं तो धन्य हो जाएंगे हम भी। महाराज तो सीधे साधे थे, फट से हां कर दिया। सेठ ने सब तैयारी करी, घर में महाराज आ रहे हैं। जिन घरों में जीजा फूफा साले जीजी बीजी कितनी भी आती रहती हों, पर भगवान के प्यारे ना आते हों, तो उन घरों का कोई मतलब। जिन घर हरि भक्ति नहीं और संत नहीं मेहमान, तिम घर जम डेरा किया जीवत भय मसान। जिन घरों में संतों के चरण न पड़े, यो भले ही लाने वाले लोग गंदगी फैलाते रहते हों, क्या मतलब होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। जिनके घरों में संतों के चरण पड़ने लगते हैं, ये सिग्नल होता है, ये सिंबल होता है, ये शुभ शकुन होता है कि अब इस घर में भगवान के चरण भी पड़ने वाले हैं। डांकिया डांक लाया, आपके घर में डांकिया आए और कुंदी खटखटाए, तो आपको क्या लगता है कि कोई हमारे प्रेमी की चिट्ठी, हमारे किसी नाते रिश्तेदार की चिट्ठी, हमारे किसी प्रियजन की कोई सूचना लेके आया है, डांकिया आया है। ऐसे ही जब हमारे घर में भगत आने लगे, प्रभु के प्यारे आने लगे, साधु संत आने लगे, तो ये मानना कि ये भगवान के डांकिया हैं, ये हमारे घर में आए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ भगवान का संदेश लेके आए हैं महाराज। सो इट्स अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव सिग्नल फॉर द रियल डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। ये बहुत अच्छा लक्षण है। सेठ जी ने हाथ जोड़ के आग्रह किया, महाराज आप कल हमारे घर पधार जाओ। बोले ठीक है। सुबह हुआ, जो टाइम दिया था उसी टाइम पे पहुंच गए, क्योंकि साधु संत जो होते ना, भगवान के भक्त जो होते ना, वो टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। अपन लोग दो दो चार चार घंटे यूं ही बर्बाद कर देते, परवाह करते ही नहीं। जैसे अरे भैया साधनों की संपन्नता की कोठी भरी धरी होंगी तुम्हारे पास, पर समय की कोठी किसी के पास भरी धरी नहीं है महाराज। सही बोल रहा हूं कि नहीं बताओ ना यार। सामान की कोठी भरी होंगी, सामान की कोठी भरी होंगी, पर समय की कोठी उतनी है, लिमिटेड है महाराज। इसीलिए सामान भले ही थोड़ा पड़ा भी रहे इधर उधर, तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं, पर समय को जरूर संभालो। पर हम लोगों की स्थिति क्या है, सामान को तो खूब संभालते हैं पर समय को। आज की कथा से थोड़ा चेंज कर लेना, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज कर लेना। मैं सामान को संभालने की मनाही नहीं कर रहा हूं। आप घर में रहते आपका सामान व्यवस्थित दिखना चाहिए, कोई भी आए तो लगे कोई समझदार आदमी इस घर में रहता है, वो अपनी जगह सब ठीक है। पर इट इज नॉट सफिशियंट, इट इज नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं है। सामान को संभालना ठीक है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है समय को संभालना। समय ही सोना है, इसे बर्बाद मत कीजिए। समय को संभालना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने जितना समय फालतू के कामों में बर्बाद किया है ना, उतने समय के लिए अगर भजन कर लिया होता तो भगवान के काफी क्लोज होते हम लोग।
पर घर में क्लोज अप तो मिल जाएंगे पर क्लोज नहीं मिलते महाराज। बहुत क्लोज होते। 11 बजे का समय था तो महाराज जी 11 बजे ही पहुंच गए। देखा बाहर गाड़ी खड़ी थी, फॉर्चुनर खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, ओडी खड़ी है, इनोवा खड़ी है, किया भी या कौन कौन सी आती है, सब खड़ी हैं बाहर। बाबा ने पूछा सेठ जी से, सेठ जी ये गाड़ियां किसकी हैं? बोले भगवान की। सेठ जी क्या बोले? भगवान की है गाड़ियां, भगवान की। थोड़े से अंदर गए, हाई स्टैंडर्ड के सोफे पड़े हुए थे, मीटिंग हॉल सोफे पड़े हुए थे। अरे सेठ जी ये सोफे किसके हैं? बोले प्रभु भगवान के। और आगे गए, डबल बेड बड़े बड़े, बढ़िया बढ़िया करलोन और काय काय के आते, फ्लिपकार्ट क्या क्या आते, वो गद्दे पड़े हुए थे। ये डबल, ये सब किसके हैं? बोले भगवान के। और अंदर गए, किचन में काजू बादाम पिस्ता खारक अखरोट भरे पड़े थे। अरे सेठ जी ये सामान किसका है? बोले भगवान का। और अंदर गए, मंदिर बना था उसमें भगवान विराजे हुए थे। अरे सेठ जी ये किसके हैं? बोले ये हमारे हैं। बाकी सब किसका है? अरे हमारे सामने तो बोल दो, मानते कुछ भी रहना, अंदर अंदर तुम्हारी तुम जान।